दोस्तों पंजाब दा शहर अमृतसर इत्थों दे गोल्डन टैंपल नूं लै के काफ़ी मशहूर है। इस गुरद्वारा साहब नाल सिख कौम दी डूंगी आस्था जुड़ी हुई है। कई किलो सोने नाल सजे इस गुरद्वारा साहब देखण विच बहुत ही खूबसूरत है। ये सिर्फ पंजाब विच ही नहीं सगों पूरे देश विच सब तो वध खूबसूरत गुरद्वारा साहब वजो जाणिया जांदा है। अमृतसर दे गोल्डन टैंपल नूं श्री हरिमंदर साहब दे नाम नाल भी जाणिया जांदा है। ये गुरद्वारा साहब अपने अंदर लखां खूबियां समेटे हुए है। सोने नाल बनिया ये गुरद्वारा साहब सिखां लई ही नहीं सगों सारे धर्मां दे लोकां लई आस्था दा प्रतीक है। हर रोज़ इस गुरद्वारा साहब विच हजारां लोग अरदास करन आउंदे हन। इस विशाल गुरद्वारा साहब दी नींह श्री गुरु रामदास जी ने 1577 ईस्वी विच रखी सी, जिस तो बाद सिखां दे पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने 15 दसंबर 1588 नूं इस दी उसारी दा काम शुरू कीता। ते पहली बार 16 अगस्त 1604 नूं श्री हरिमंदर साहब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की स्थापना हुई। इस गुरद्वारे विच एक बहुत ही वड्डा सरोवर भी बनिया होया है। इस नूं अमृत सरोवर भी कहा जाता है। श्रद्धालु श्री दरबार साहब विखे जाण तों पहलां इस सरोवर विच इशनान करते हैं। मन्या जाता है कि इस सरोवर विच इशनान करन वालिया इशनान करन नाल सारियां बीमारियां ठीक हो जांदियां हन। ते तुहानूं इह जाण के हैरानी भी होवेगी कि इस गुरद्वारा साहब विच दुनिया का सब तो वड्डा लंगर भी बनता है। हर रोज़ लखां श्रद्धालु श्री गुरु रामदास लंगर हाल विच लंगर छकते हैं। इस दे नाल ही लंगर लई रोटियां आधुनिक मशीनां नाल तैयार कीतियां जांदियां हन। इसलिए इस नूं दुनिया की सब तो वड्डी रसोई भी कहा जाता है। जेकर हरिमंदर साहब की बणतर की गल करिए इस नूं बनाउण लई 500 किलो तो वध सोना वरत्या गया है। ये सारा सोना 24 कैरेट का है, जो अज भारतीय घर मौजूद 22 कैरेट सोने तो वध शुद्ध है। अमृतसर का यह गुरद्वारा साहब करीब 400 साल पुराना है। ये भारत में ही नहीं पूरी बल्कि पूरी दुनिया में शिल्पकारी की सुंदरता की एक विलक्षण मिसाल पेश करता है। गुरद्वारा साहब की नकाशी तो सुंदरता सैलानियों को मोह लेती है। तुहानू इस गुरद्वारा साहब की जानकारी चंगी लगी तो वीडियो नू लाइक सबसक्राइब और कमेंट करना ना भुल्यो। दोस्तों पंजाब का शहर अमृतसर इत्थों दे गोल्डन टैंपल नू लेके काफ़ी मशहूर है। इस गुरद्वारा साहब नाल सिख कौम की डूंगी आस्था जुड़ी हुई है। कई किलो सोने नाल सजे इस गुरद्वारा साहब देखण विच बहुत ही खूबसूरत है। ये सिर्फ पंजाब विच ही नहीं सगों पूरे देश विच सब तो वध खूबसूरत गुरद्वारा साहब वजो जाणिया जांदा है। अमृतसर दे गोल्डन टैंपल नूं श्री हरिमंदर साहब दे नाम नाल भी जाणिया जांदा है। ये गुरद्वारा साहब अपने अंदर लखां खूबियां समेटे हुए है। सोने नाल बनिया ये गुरद्वारा साहब सिखां लई ही नहीं सगों सारे धर्मां दे लोकां लई आस्था दा प्रतीक है। हर रोज़ इस गुरद्वारा साहब विच हजारां लोग अरदास करन आउंदे हन। इस विशाल गुरद्वारा साहब दी नींह श्री गुरु रामदास जी ने 1577 ईस्वी विच रखी सी, जिस तो बाद सिखां दे पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने 15 दसंबर 1588 नूं इस दी उसारी दा काम शुरू कीता। ते पहली बार 16 अगस्त 1604 नूं श्री हरिमंदर साहब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की स्थापना हुई। इस गुरद्वारे विच एक बहुत ही वड्डा सरोवर भी बनिया होया है। इस नूं अमृत सरोवर भी कहा जाता है। श्रद्धालु श्री दरबार साहब विखे जाण तों पहलां इस सरोवर विच इशनान करते हैं। मन्या जाता है कि इस सरोवर विच इशनान करन वालिया इशनान करन नाल सारियां बीमारियां ठीक हो जांदियां हन। ते
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਸੋਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 500 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਬ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।